आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। दोपहर 3 बजे की शुरुआत हम कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ जो किसानों से जुड़ी हुई है, क्योंकि यहां से अब एक नई शुरुआत, आंदोलन का एक नया रूप दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये घमासान अब संसद के नजदीक पहुंच गया है। आज से किसानों के आंदोलन का नया पता जंतर मंतर हो गया, जो संसद में सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर है। किसान पूरे मानसून सत्र तक यहीं अपनी संसद चलाएंगे, यहीं धरना प्रदर्शन होगा। जब तक ये काले कानून वापस नहीं होते तब तक आंदोलन ऐसे ही चलेगा। और आज किसान अपनी संसद में इस कानून को रद्द कहना चाहते हैं। ये इतिहास में पहली बार होगा कि किसानों की भी संसद लग रही है। कि जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं होते, एमएसपी की गारंटी नहीं बनती, तब तक किसान किसी भी सूरत में वापसी नहीं करेगा। मांगे वही, किसान वही, लेकिन जगह नहीं। अब किसान आंदोलन का पता नया हो गया है। ये पता है दिल्ली का जंतर मंतर, जहां आए दिन धरना प्रदर्शन होते रहते हैं। अब किसान संसद के चंद फासले से अपनी संसद चलाएंगे, तीनों कृषि कानून के खिलाफ हल्ला बोलेंगे। पहले दिन किसान 11 की बजाय दोपहर 12 बजे यहां पहुंचे और फिर अपना धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। समानांतर किसानों की संसद लगाने के लिए पहुंचे हैं। जब तक ये काले कानून वापस नहीं होते तब तक आंदोलन ऐसे ही चलेगा। और आज किसान अपनी संसद में इस कानून को रद्द करेंगे। संसद में ये जो काले कानून बनाए थे, आज किसान अपनी संसद को बुलाकर उन काले कानूनों को रद्द करेंगे। देखिए, जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं होते, एमएसपी की गारंटी नहीं बनती, तब तक किसान किसी भी सूरत में वापसी नहीं करेगा। ये सरकार देख लिया। यही कहना चाहते हैं, ये इतिहास में पहली बार होगा कि किसानों की भी संसद लग रही है और किसान अपने 3 बिलों के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे और गवर्नमेंट को बताएंगे ये किस तरह से गलत है। और पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हमारे सांसदों को अपील करेंगे कि वो भी किसानों की आवाज उठाएं। पहले दिन दल बल के साथ किसान सिंघू बॉर्डर से जंतर मंतर के लिए निकले। 5 बसों में सवार किसानों को 11 बजे पहुंचना था, लेकिन निकलने में ही देरी होती चली गई। पुलिस ने पूरी तरह से जांच परख के बाद किसानों को बसों में रवाना किया। बस से मीडिया कर्मियों को निकाल दिया गया। हर किसान के गले में पहचान पत्र जरूरी था। राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव और हनन मोहल्ला एक साथ बैठे थे। अब 9 अगस्त तक इसी तरह सुबह 5 बसों में सवार होकर किसान निकलेंगे और सुबह 11 बजे से 4 बजे तक जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। बसों के अंदर तमाम जो किसान हैं, अब वो दिल्ली की तरफ कूच करना शुरू कर चुके हैं। मध्य प्रदेश, ग्वालियर, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमाम राज्यों से जो किसानों का यूनियन है, वो अब धीरे धीरे संसद भवन की तरफ कूच करता हुआ नजर आ रहा है। लगातार मांगे यहाँ पर वही है और नारेबाजी बसों के अंदर जो है वो लगातार जारी है। भारत कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर किसानों की बात सबसे पहले होनी चाहिए, लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि यहाँ पर किसानों की बात नहीं हो रही है, मजदूरों की बात नहीं हो रही है और सिर्फ पूंजीपतियों की बात हो रही है और सरकार को सिर्फ पूंजीपतियों की फिक्र है। 22 जनवरी को लास्ट वार्तालाप हुई थी किसानों से, उसके बाद से अब तक कोई वार्तालाप नहीं हुई है और ना ही सरकार की तरफ से कोई पहल हुई है। तो इसलिए मजबूरी बस किसानों को पार्लियामेंट के सामने रोष प्रदर्शन आज करना पड़ा है। किसानों ने मानसून सत्र में संसद के घेराव का ऐलान किया था। दिल्ली पुलिस ने इसकी इजाजत तो नहीं दी, लेकिन शर्तों के साथ संसद से करीब 2 किलोमीटर दूर जंतर मंतर पर प्रदर्शन की मंजूरी दे दी। अब मानसून सत्र तक रोज 6 घंटे किसानों की संसद यहीं चलेगी। ठीक है साहब, आज जंतर मंतर पहुंच गए, यानी संसद से एक कदम करीब। बिल्कुल थोड़ी सी दूर है बस, कुदर संसद भवन। तो क्या कूद करके जाने का भी इरादा है? ऐसे कैसे जाएंगे, वहाँ पे जो लोग बैठे वही आवाज उठाएंगे। यहाँ से आवाज जाएगी, वे आवाज उठाएंगे। जो पार्लियामेंट में है वही आवाज उठाएगा। अच्छा, तो आपकी आवाज अब पहुँच जाएगी ऐसा आपको लग रहा है? हाँ, लगे कुछ पहुँचेगी। विपक्ष वाले कम बोल रहे थे, उनको कहा कि आओ से बाहर नहीं आना, आप बोल लो, अपनी आवाज उठाओ। जो भी सत्ता का या विपक्ष का आदमी किसान की आवाज नहीं उठाएगा उसका विरोध होगा। जो आवाज उठाएगा उसका धन्यवाद भी करेंगे, आवाज उठानी चाहिए उनको। जंतर मंतर पर कड़ी सुरक्षा है। दिल्ली पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री की 5 कंपनियां भी तैनात हैं। महिला पुलिस की टीम की भी मुस्तैदी है। चप्पे चप्पे पर पहरा है, सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है। हर किसानों का आधार कार्ड जरूरी है। सैबोटाज की जांच की जा रही है। किसान यहां से कहीं और नहीं जा सकते। 200 से ज्यादा किसान नहीं जुट सकते।
किसानों के आंदोलन को करीब 250 दिन होने जा रहे हैं। सरकार के साथ 11 दौर की बैठक भी हो चुकी है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। 26 जनवरी के हिंसा के बाद सरकार और आंदोलनकारी किसान में कोई बात भी नहीं हुई है। किसान तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं, तो सरकार किसी भी कीमत पर कानून वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। मैं अभी उनको किसानों की समस्याओं तक ही देखता हूं, और इसलिए किसानों की समस्याओं से संबंधित अगर बिल में कोई आपत्ति है तो सरकार चर्चा करने को तैयार है। भारत सरकार ने हमेशा से इस बात के लिए अपना खुला मन रखा है, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है जनउपयोगी विषयों पर खुलकर चर्चा हो। ऐसे में क्या होगा? किसान कब तक सड़कों पर रहेंगे? कब तक आंदोलन करते रहेंगे? आखिर इस आंदोलन का कोई तो अंत होगा। आशुतोष मिश्रा के साथ सुशांत मेहरा और हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।